गुरु प्रकाश जी, किसान अब कह रहे हैं तीनों कानून को रद्द किया जाए। नहीं नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष के माध्यम से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि सरकार ने उनको आमंत्रण दिया है। आपने MSP की बात की, मंडियों की बात की, आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय, आप उसको टेबल पे रखिए। इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में विरोध का एक अपना तरीका है, आलोचना का अपना तरीका है, और आप उसको रजिस्टर कराइए, उसमें स्वागत है आपका। आपने कहा MSP वाली बात है तो आप बताइए ना, सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री लोग वहां बैठे हैं। तब क्यों नहीं कि जब दो महीने से पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे, जब रेल की पटरियां रोके हुए थे, तब क्या पंजाब के आम लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही थी गुरु प्रकाश जी? आज जब दिल्ली चलकर आ गए किसान, तब आपको लोगों की दिक्कतें दिख रही हैं? अरे गौरव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में 3 दौरे की वार्ता हो चुकी है। जब भी कोई बिल लॉ में बनता है तो बिना राय विचार और बिना बातचीत के नहीं बनता है। बात हुई है, अब बात कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो गई है। उसी इनकम्प्लीट बात को बात पूरी करने के लिए स्वागत कर तो है हमारे मंत्री जन। अब उसके अलावा आपको क्या चाहिए? हम लोगों ने कहा है कि हम इस आंदोलन का सम्मान करते हैं। इस आंदोलन अच्छा, में मैं आ रहा हूं देवशीष आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर बता दूं, बहुत बड़ी खबर आ रही है, किसानों से बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्रियों की टीम का ऐलान हो गया है। अब ये टीम किसानों से बात करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की टीम किसानों से बात करेगी। देखिए, जो आपको एक्सक्लूसिव प्लान आपको TV9 भारतवर्ष ने बताया था, अमोद राय जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि एक टीम बनाई जा सकती है, ठीक उसी तर्ज पर एक टीम का ऐलान कर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की में उस टीम में शामिल है, और उस टीम की अगुवाई कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही। अमोद जी, जल्दी से इस बारे में जानकारी। देखिए, अभी जो बैठक चल रही है उसमें इसी बात पर रणनीति बन रही है कि उस टीम में ये तीनों के अलावा चौथे की भी गुंजाइश है क्या, या ये तीन ही रहेंगे। और जो किसानों से फर्दर बातचीत होगी, आज जो बातचीत होगी 3 बजे, उसके अलावा भी आगे की बातचीत, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए, एड्रेस करने के लिए, क्या समिति जो है उसको कुछ शक्ति भी दी जाएगी और वो सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाएगी। ठीक है, मैं अमोद जी आता हूँ, लेकिन किसानों के बीच अभी इस न्योते को लेकर भी एक आपत्ति है, या किसानों के बीच भी अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सहमति नहीं है इस न्योते पर? क्यों मैं कह रहा हूं, अब ये खबर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। किसान संघर्ष कमेटी के संयुक्त सचिव सुखविंदर सिंह का कहना है कि देश में किसानों के 500 से ज्यादा जत्थे हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 32 जत्थों को बातचीत के लिए बुलाया है। तो ये एक बड़ी खबर किसानों के अंदर। पुनीत, ये क्या है, मतलब 500 जत्थों से कैसे बात होगी? उनका जाहिर तौर पर कहना है कि सिर्फ 32 लोगों को बुलाया गया है, एक सभागार होना चाहिए जिसमें 500 जत्थेदार जो हैं उन लोगों से बातचीत करना चाहिए। लाखों किसानों से एक साथ बातचीत की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन महज 32 लोगों को बुलाया जा रहा है, ये कहीं भी ठीक नहीं है, ऐसा संयुक्त संघर्ष समिति के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह का कहना है। साफ तौर पर कहना है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से कुछ कम जत्थेदारों को बुला। यू स्टॉप नाउ, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।